बुलंदशहर पुलिस ने आपराधिक छवि के एक युवक की हत्या के मामले में आज 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार ये सभी लोग आपराधिक प्रवृत्ति के पुष्पेंद्र उर्फ पूसा से दुश्मनी रखते थे और जिसके बाद उसकी हत्या कर दी थी। क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र जी, कुछ समय पहले बेटे की हत्या हुई थी आपकी। जी हाँ, क्या बुरा मामला है, वो क्या निकल गया है? जी हाँ, मेरा बेटा दिल्ली में कोचिंग करता था। कोचिंग, हम तो यहाँ से निश्चिंत थे कि हमारा बेटा कोचिंग कर रहा है, और उसके बाद हमारी कुछ दिन से संपर्क नहीं हुआ। उसके बाद में हमने देखा, थोड़ी जानकारी ली, हमें जानकारी नहीं मिली, फिर हमने शक के आधार पर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करी। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया और उसकी लाश भी जो चंडोस थाने से बरामद कर ली। और लाश के तो कहाँ मिला था उनका सब, कहाँ फेंका था? हाँ, किनवा भोगपुर फाटक है जो चंडोस थाने में पड़ता है। अच्छा। वहाँ उसकी लाश बरामद हुई। अच्छा। तो आपने नामजद रिपोर्ट दी थी? हमने जिनसे हमने नाम दर्ज रिपोर्ट दी थी, जिन पे हमें शक था, ठीक है, उनके हमने नाम दर्ज रिपोर्ट करी। और पुलिस ने कितने लोग पकड़ लिए? पुलिस ने 4 लोग पकड़े हैं। और भी लोग हैं? 2 और लोग हैं, 6 लोग थे इसमें। 2 फरार है अभी? 2 फरार चल रहे हैं। एक सेकंड, एक सवाल जरूर पूछना दूंगा आपको। पुलिस द्वारा 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, किस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई? कल राजेंद्र नाम के व्यक्ति के द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि उनके बेटे पुष्पेंद्र की हत्या 6 व्यक्तियों ने मिलकर के कर दी है। इस घटना के अनावरण के लिए क्षेत्राधिकारी खुर्जा नगर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी, जिसमें कि आज सफलता मिली है, जिसमें इंस्पेक्टर खुर्जा नगर की टीम ने 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें विकास शर्मा, आकाश, अमन और अरविंद को गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ की गई है, तो विकास के द्वारा ये बताया गया कि उनके द्वारा मिल करके 6 अन्य साथियों के साथ पुष्पेंद्र पुष्पा की हत्या कर दी गई थी। ये हत्या की जो योजना बनाई गई थी, ये जैसा था पुष्पेंद्र पूसा, वहाँ से इन लोगों ने साथ लेकर के उसको वहाँ रास्ते में स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में बैठाया, चूँकि ये लोग पहले से परिचित थे, मारपीट करके वहाँ पर एक तरीके से उसको अधमरा कर दिया था, वहाँ से ला करके और फिर यहाँ खुर्जा में रेलवे ट्रैक जो कि चंदौस थाना क्षेत्र में पड़ता है अलीगढ़ में, वहाँ पर उसको डाल दिया। उसके पश्चात उसको छोड़ करके भाग गए। उसकी निशानदेही पे हमारी पुलिस वहाँ पर भी गई रेलवे ट्रैक के पास में, तो उससे छानबीन से ये पता चला है ये भी कि चंदौस पुलिस के द्वारा उस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम पहले ही कराया जा चुका है 22 मार्च को, जो ये घटना कबूल कर रहे हैं उसके बारे में। तो इस तरह इसमें 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अभी 3 अभियुक्त बाकी हैं, जिसमें से 2 नामजद हैं। एक सौरभ नाम के अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया है। पुलिस पूरी अपनी मुस्तैदी से कार्रवाई कर रही है, जो शेष अभियुक्त हैं उनको जल्द ही पकड़ करके हम लोग और अग्रिम जो वैधानिक कार्रवाई है वो करेंगे। सर, हत्या की वजह क्या रही थी? हत्या की वजह ये थी कि जो विकास नाम का अभियुक्त था, इसमें विकास के ऊपर पुष्पेंद्र ने अपने कुछ साथियों के साथ मिल करके फायर किया था, हमला किया था, जिसमें वो घायल हुआ था, जिस संबंध में मुकदमा पंजीकृत है, वो पहले से उसमें वांछित भी चल रहा था। और अब जब मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था, तो विकास को ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि पुष्पेंद्र उसकी हत्या करते, अदा रास्ते से हटाने के लिए विकास ने अपने साथियों के साथ मिल करके और षड्यंत्र करके इस तरीके से इसकी हत्या कर दी। सर, इसमें एक अलीगढ़ का भी अभियुक्त है, अलीगढ़ निवासी, तो उसका क्या रोल है इसमें? अभी हम लोग और गहन पूछताछ कर रहे हैं। अभी जो अभी एक सौरभ इसमें वांछित है, अभी उसके पकड़े जाने के बाद हो सकता है कोई और नई चीज़ प्रकाश में आए, लेकिन चूंकि अलीगढ़ का जो अभियुक्त है, डेड बॉडी भी आप जैसा मैंने आपको बताया कि चंदौस थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर डाली गई है, तो डेफिनेटली इसका संबंध भी है और ये इन्वॉल्व भी है। हम लोग पूरी कार्रवाई कर रहे हैं।